वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्न टू विन क्लासेस में। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है प्रमुख भारतीय लेखक एवं उनकी पुस्तकें। तो हम क्विकली एक बार लगभग 80 के आसपास बुक्स जो हैं उनका हम रिवीजन करेंगे, और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। सभी एग्ज़ाम्स में ये बुक्स या तो आ चुकी हैं या उनके आने की संभावनाएँ पूरी तरह से बनी हुई है, चाहे वो रेलवे का हो, SSC हो या और भी कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें कि जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं बुक्स और उनके राइटर पे। तो ये टॉपिक है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पंचतंत्र। पंचतंत्र जो बुक लिखी है वो लिखी है विष्णु शर्मा ने, ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों ने पढ़ी भी होगी और बहुत ही कॉमन बुक है पंचतंत्र। नेक्स्ट वन इज़ प्रेम वाटिका, यह बुक लिखी है रस खान ने। अगली जो पुस्तक है वो है मृच्छकटिकम, ये लिखी है शूद्रक ने। इम्पोर्टेंट बुक है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसको याद कर लीजिए। अगली जो बुक है कामसूत्र, ये लिखी है वात्स्यायन ने, ठीक है दोस्तों। अगली बुक है दाय भाग, जो लिखी गई है जीमूत वाहन ने। इसके बाद चलते हैं दस कुमार चरितम, तो ये लिखी है दंडी ने। ये किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है। अगली बुक है अवंती सुंदर, तो ये बुक लिखी है दंडी जी ने, ठीक है दोस्तों। अगली बुक है बुद्ध चरितम, लिखी है अश्व घोष जी ने, यह भी आपको याद रखना है, यह भी क्या है इम्पोर्टेंट है। कादंबरी, ये भी लिखी है बाण भट्ट जी ने। अगली बुक है अमरकोश, तो ये बुक लिखी है अमर सिंह ने, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, दोनों में अमर कॉमन है, तो अमर सिंह तो अमरकोश, ठीक है। अगली बुक है शाहनामा, शाहनामा लिखी है फिरदौसी ने। इसके बाद चलते हैं साहित्य लहरी, ये लिखी गई है सूरदास जी द्वारा। अगली बुक है सुरसागर, और ये लिखी है सूरदास जी ने। इसको आप याद कैसे कर सकते हैं, जैसे सुरसागर लिखा हुआ है तो दोनों में सुर कॉमन है, तो सुरसागर को आप रिलेट कर सकते हैं सूरदास जी से। अगली बुक है हुमायूं नामा, तो हुमायूं नामा किसने लिखी है, गुलबदन बेगम ने लिखी है। नीति शतक, ये लिखी है भरतरी जी ने। श्रृंगार शतक भी इन्होंने ने लिखी है, और वैरण शतक, तो ये बुक्स जो ले हैं वो भरतरी जी ने लिखी हैं, ठीक है। हिंदुइज़्म, ये लिखी गई है नीरज सिंह चौधरी या नीरज चंद्र चौधरी द्वारा लिखी थे हिंदुइज़्म। अगली बुक है एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा, यह भी बुक किसने लिखी है, नीरज चंद्र चौधरी ने लिखी है। अगली बुक है पैसेज टू इंग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, तो ये लिखी है नीरज चंद्र चौधरी ने। इसके बाद चलते हैं अगली बुक कल्चर इन द वैनिटी वेक, ये भी लिखी है नीरज चंद्र चौधरी ने। मुद्रा राक्षस, ये लिखी है विशाख दत्त ने, ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार आई हुई है। अगली है अष्टाध्यायी, यह आप सबने पढ़ा भी होगा, पाणिनि ने लिखी है, आपको याद होगा। भगवद गीता, ये लिखी है वेदव्यास जी ने, ठीक है, और वेदव्यास जी ने लिखी है महाभारत। महाभारत को हम जय संहिता भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जय संहिता, ठीक है। तो ये आप याद रखें कि महाभारत को जय संहिता भी बोलते हैं, ठीक है। ये महाकाव्य हैं हमारे, रामायण और महाभारत जो हैं वो हमारे महाकाव्य हैं। तो वेदव्यास जी ने लिखा है महाभारत, और रामायण लिखा है हमारे वाल्मीकि जी ने, ठीक है दोस्तों। अगली बुक चलते हैं मिताक्षरा, तो ये लिखी है बुक विज्ञानेश्वर जी ने। अगली बुक है राज तरंगिणी कलहण, एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अगली बुक है अर्थशास्त्र, जिसको लिखा है कौटिल्य या चाणक्य ने, ठीक है दोस्तों, कौटिल्य चाणक्य दोनों एक ही नाम है, ठीक है। और जो चंद्रगुप्त हमारे मौर्य हुए हैं वो उनके, ये उनके गुरु हैं, चाणक्य क्या हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की है, ठीक है दोस्तों। अगली बुक है कुमार संभवम, इम्पोर्टेंट बुक है, कालिदास जी ने लिखी है। कालिदास जी ने रघुवंशम भी लिखी है, और अभिज्ञान शाकुंतलम, यह बुक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी है कालिदास जी ने। अगली बुक है गीत गोविंद, ये लिखी है जयदेव जी ने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एग्ज़ाम में आ गया है बहुत बार। मालती माधव, ये लिखी है भवभूति ने, ठीक है। अगली बुक है उत्तर रामचरित, तो ये भी लिखी है भवभूति जी ने। अगली बुक है पद्मावत, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्सी में रही थी ये मूवी जब पद्मावत आई थी, तो ये पद्मावत जो लिखा है, ये लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने, ठीक है। अगली किताब है आईने अकबरी, ये लिखी है अबुल फजल ने। अकबरनामा, ये लिखी है अबुल फजल ने। नेक्स्ट वन इज़ कबीरदास जी ने लिखी है बीजक, कबीरदास जी ने वो भी कई बुक्स लिखी हैं,
जैसे रमेनी और अब है अलबरूनी। इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखी है किताब उल हिंद लिखी है। अगली बुक का नाम है कुली, तो कुली किसने लिखी है, मुल्कराज आनंद ने। अगली बुक का नाम है द डेथ ऑफ अ हीरो, जेल बुक लिखी है मुल्कराज आनंद ने। जजमेंट ये लिखी है कुलदीप नैयर ने। और भी कई सारी बुक्स हैं जैसे इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, ये भी कुलदीप नैयर ने लिखी है। इन जेल ये भी लिखी है कुलदीप नैयर ने। और इंडिया आफ्टर नेहरू ये बुक भी लिखी है कुलदीप नैयर ने। नेक्स्ट वन इज़ बिटवीन द लाइन्स, ठीक है, ये बुक भी लिखी है कुलदीप नैयर ने। अगली जो बुक्स हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी से रचित, तो ये लिखी है चित्रांगदा, ठीक है। गीतांजलि ये तो आप लोगों को पता भी होगा, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जा चुका है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है गीतांजलि, ठीक है। अगली बुक है विसर्जन, तो ये भी लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। गार्डनर ये भी लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। हंग्री स्टोन्स ये भी लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। गोरा, नेक्स्ट गोरा भी देखिए लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। चांडालिका ये भी इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लीजिए इसको भी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है चांडालिका। भारत भारती तो ये लिखी है मैथिली शरण गुप्त ने। डेथ ऑफ अ सिटी ये लिखी है अमृता प्रीतम ने। अगली बुक है 49 डेज, ठीक है, ये लिखी है अमृता प्रीतम ने। अगली बुक है इंदिरा गांधी रिटर्न्स, ये लिखी है खुशवंत सिंह जी ने। तो इंदिरा गांधी जी की जो बुक्स के नाम हैं वो अधिकतर लिखे हैं खुशवंत सिंह जी ने, ठीक है। अगली बुक है दिल्ली, दिल्ली लिखी है ये भी खुशवंत सिंह जी ने, ठीक है। द कंपनी ऑफ वीमन, ठीक है, ये भी लिखी है खुशवंत सिंह ने। इंडियन फिलोसफी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इन्होंने लिखी है इंडियन फिलोसफी। अगली बुक है इंटरनल इंडिया, ये लिखी है इंदिरा गांधी ने। कामायनी ये लिखे जयशंकर प्रसाद जी ने, ठीक है। आंसू तो ये भी लिखी है जयशंकर प्रसाद जी ने। अगली बुक है लहर, तो ये भी किसने लिखी है, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। एसेज ऑन गीता ये बुक लिखी है अरविंद घोष जी ने, ठीक है दोस्तों। अगली बुक है अनामिका, अनामिका किसने लिखी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक और बुक लिखी है परिमल, परिमल भी लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, ठीक है। यमा, यमा कह दो या यामा कह दो, ये बुक लिखी है महादेवी वर्मा ने, ठीक है दोस्तों। अ वॉइस ऑफ फ्रीडम ये लिखी है नयनतारा सहगल ने, क्या लिखा है, अ वॉइस ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अगली बुक है अग्निवीणा, ये बुक लिखी है काजी नजरुल इस्लाम ने। चलते हैं अगली बुक की ओर, डिवाइन लाइफ ये लिखी है शिवानंद ने। अब आपको याद रखना है एक है बुक डिवाइन लाइफ, दूसरी है लाइफ डिवाइन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, डिवाइन लाइफ जो है वो लिखी है शिवानंद जी ने और लाइफ डिवाइन लिखी है अरविंद घोष ने, ठीक है। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए आप मैंने इसको दोनों जो स्लाइड्स हैं मैंने दोनों बुक्स को एक साथ यहाँ पे लिखा है ताकि आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है दोस्तों। अगली बुक है गोदान, बहुत ही फेमस कृति है प्रेमचंद जी की, गोदान ये आपको याद रखना है, ठीक है। गबन ये भी लिखी है प्रेमचंद जी ने। अगली बुक जो है कर्मभूमि, ठीक है, कर्मभूमि के साथ साथ एक रंगभूमि, तो कर्मभूमि और रंगभूमि ये लिखी है प्रेमचंद जी ने, ठीक है। कन्फेडरेशन विद पाकिस्तान ये बुक किसने लिखी है, बी एम कौल ने, ठीक है दोस्तों। गोल्डन थ्रेशोल्ड ये लिखी है सरोजिनी नायडू ने, ठीक है। ब्रोकन विंग्स ये भी बुक लिखी है सरोजिनी नायडू ने, ठीक है। दादा कामरेड ये बुक लिखी है यशपाल ने, ठीक है। पल्लव ये लिखी है सुमित्रा नंदन पंत ने। चिदंबरा ये भी इन्हीं की कृति है सुमित्रा नंदन पंत की। कुरुक्षेत्र ये लिखी गई है रामधारी सिंह दिनकर जी ने, ठीक है दोस्तों। अगली बुक है उर्वशी, तो ये किसने लिखी है, ये भी लिखी है रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा। द डार्क रूम ये बुक लिखी है आर के नारायणा के द्वारा। इनकी और कुछ कृतियाँ हैं जैसे मालगुडी डेज, ठीक है, ये तो आपको ये सीरियल तो आपने देखा भी होगा, पहले दूरदर्शन पे बहुत ही फेमस था ये मालगुडी डेज। इसके बाद में गाइड ये भी लिखा है आर के नारायण ने। माई डेज और मालगुडी डेज ये दोनों किसने लिखी है, आर के नारायण जी ने, ठीक है। तो आपको याद रखना है माई डेज और मालगुडी डेज, डेज डेज दोनों आ रहे हैं वो लिख रहे हैं आर के नारायणा ने, ठीक है। अगली बुक है नेचर क्योर, ये लिखे हैं मुरारजी देसाई द्वारा। चंद्रकांता
ये लिखी है देवकीनंदन खत्री ने। ठीक है दोस्तों, अगली बुक की ओर चलते हैं, देवदास। इस पर मूवी बनी है, तो ये कहाँ से लिया गया है, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी के। तो इन्होंने की रचना किसकी, देवदास की। ठीक है, किसने, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने। इन्होंने चरित्रहीन नामक ये कृति भी की है। ठीक है, तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और हमने क्विकली लगभग 70 से अधिक बुक्स का रिवीजन कर लिया है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।